बात कर रहे हैं दोस्तों Realme X3 Super Zoom के बारे में। दोस्तों यूरोप के अंदर जो है 43,000 के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। इसके अंदर दोस्तों यूरोप के अंदर Snapdragon का 855 प्लस CPU यहां पर दिया गया है, जिससे जो है 5G यहां पर चल रहा है। इस CPU के साथ Adreno 640 का GPU भी इसके अंदर है। लेकिन दोस्तों यहां पर बात यह है कि इंडिया के अंदर सेम CPU के अंदर कंपनी इसे लॉन्च नहीं करने वाली है। हमको जो है दूसरा यहां पर CPU मिलेगा, जिसका पता भी दोस्तों चल चुका है, तो पूरी तरह से इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। साथ ही जो है इंडिया के अंदर जो प्राइस इसकी रहेगी वो काफी कम है इसके मुकाबले, तो उसकी भी बात इस वीडियो में हम आगे यहां पर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। बात कर रहे हैं दोस्तों Realme X3 Super Zoom के बारे में, जो कि 60x तक जो है आपको यहां पर जूम निकाल कर देता है, तो आप नाइट में जो है मून को भी आराम से यहां पर थोड़ा बहुत देख सकते हैं। 6.6 इंचेस की दोस्तों यहां पर 120Hz की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको मिलती है, जिसमें डबल पंच होल यहां पर दिए गए हैं। कैमरा के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है डिस्प्ले के ऊपर यहां पर प्रोटेक्शन दिया गया है। क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन 855 प्लस यूरोप के अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर यहां पर चेंज हो जाएगा, इसकी बात हम थोड़ी आगे करेंगे। पहले इसके बारे में दूसरी चीजें यहां पर जान लेते हैं। 12GB की दोस्तों रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों रियर कैमरा जो है यहाँ पर क्वाड है, 60x का जूम है, 4K 30 फ्रेम पर आप कर सकते हैं। तो मेन सेंसर यहाँ पर दोस्तों 64 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वाइड एंगल लेंस यहाँ पर दिया गया है, तो काफी कमाल का है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, जिससे जो है यहाँ पर 60x सुपर जूम यहाँ पर हो ही जाता है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड दिया गया, और चौथा जो है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो दिया गया है, ताकि डिटेल्स जो है काफी अच्छे से निकाल पाए। 32+8 मेगापिक्सल का डिस्प्ले के अंदर पंच होल में यहाँ पर डबल सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों 4200mAh की इसके अंदर बैटरी है, बैटरी के साथ यहाँ पर 30 वाट की डर्ट चार्जिंग जो है इसके अंदर यहाँ पर दी गई है। बात करें दोस्तों इंडिया के अंदर CPU चेंज की, तो यहाँ पर Snapdragon 765 या फिर Snapdragon 765G जो CPU है ये यहाँ पर देने की बात हो रही है, मतलब ये वाला CPU मिल सकता है, बशर्ते इसी मंथ जो है इंडिया के अंदर इसे लॉन्च करना है, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि दूसरी चीज ये कि इंडिया के अंदर फिलहाल 5G नहीं है, और 2-3 साल और लग जाएंगे इंडिया के अंदर 5G आने में, और फिलहाल जो स्मार्टफोन हम लेते हैं उसके 5G के मतलब जो खर्चे हैं वो पहले उठाकर हमें कोई फायदा यहां पर होने वाला है नहीं, क्योंकि हमें 4G ही यहां पर यूज करना है, तो 5G का पैसा खर्च करने में कोई भी अच्छी मतलब बात मैं यहां पर नहीं समझता हूं। तो अगर बिना 5G के ये वाला स्मार्टफोन मिलता है तो काफी मजा आ जाएगा। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो इस वाले CPU के साथ इसकी प्राइस सिर्फ 20,000 रुपए यहाँ पर रह जाती है, 20,000 रुपए के समथिंग जो आपको ये वाला स्मार्टफोन मिलेगा आने के बाद। Realme X3 Super Zoom सिर्फ 20,000 रुपए में आपको मिलेगा, इसके अंदर यही वाले जो है CPU होने वाले, बाकी की जो भी स्पेसिफिकेशंस है सब कुछ यहाँ पर सेम रहेंगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दोस्तों प्राइस चेंज हो जाएगी, CPU और 5G जो है दोनों यहाँ पर हटा दिए जाएंगे, तो प्राइस अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पता ये चला है कि 6GB और 8GB रैम वेरियंट के अंदर भी ये आएगा, जहां पर जो आपको 128GB 256GB का भी इंटरनल स्टोरेज जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये काफी कमाल का जो है कि अलग ऑप्शन आपको मिलेगा इंडिया के लिए, क्योंकि 5G है नहीं, 5G का खर्चा करने से कोई फायदा है नहीं। आप ही बताइए दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर वो 5G स्मार्टफोन हम लेते हैं जिसकी 10-15 हज़ार रुपए हम सिर्फ 5G के नाम पर एक्स्ट्रा यहां पर दे देते हैं, तो उसके बाद लेने के बाद क्या आपको 5G मिलता है, कि आप चलाते हैं 5G नहीं चलाते हैं, सिंपल है। तो उसी के हिसाब से जो है मुझे लगता है अगर ये वाला CPU दे देता है, इसमें जो है परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, गेमिंग का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है Snapdragon 765G के अंदर, तो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस भी अच्छा है दोस्तों, बैटरी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, तो कुल मिलाकर जो है काफी अच्छा यहाँ पर मिड रेंज CPU है, जो कि काफी कमाल से एक डिवाइस के यहाँ पर रन कराता है। तो मेरी ओपिनियंस यही है कि ये वाला CPU जो है इसके अंदर अगर दिया जाए तो काफी कमाल हो जाएगा, और फिलहाल जो सजेशन निकल के आ रहे हैं वो भी इसी CPU के यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो देखते हैं आने के बाद क्या कमाल यहाँ पर हो पाता। आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।